न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाना बरला पुलिस द्वारा अवैध रूप से हथियार का परिवहन करते हुए पंजाब राज्य के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12 बोर के दो नग देसी कट्टे व दो मोबाइल फोन जब्त कर 50,000 मशरूका जब्त की गई है। बड़वानी जिले की बरला पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस थाना बरला से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध जुआ सट्टा, अवैध शराब, अवैध गोवंश, आम्स मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसे निर्देश के परिपालन में वरला पुलिस को मुखबिर से दो व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ग्राम उर्मर्ची में हथियार लेकर आने की सूचना मिली, जिसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वरला थाना प्रभारी नेपाल सिंह चौहान द्वारा पुलिस टीम गठित कर चीखली रोड के मोड़ पर स्थित स्कूल के आगे ग्राम बलवाड़ी में नाकाबंदी कर आरोपी मनप्रीत सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खानपुरा गाड़ियान तहसील कुतुमपुरा जिला पटियाला पंजाब एवं संदीप सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी जिखेपल तहसील सुनाम जिला संगरूर पंजाब को पकड़ा कर उनकी तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से एक एक नग कुल 2 12 बोर के देसी कट्टे कीमती 30,000 रुपए के कमर में खुसे हुए पाए गए। साथ ही आरोपियों के पास से 2 नग मोबाइल कीमती 20,000 रुपए के होना भी पाए गए हैं। पश्चात आरोपियों से 2 नग देसी 12 बोर कट्टे 2 नग मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना वरला पर अपराध क्रमांक 197/22 धारा 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों का संबंधित गृह थाने से आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर मामले में विवेचना की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सर, ये वरला थाने में हथियार का क्या मामला है? सर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बड़वानी श्री दीपक कुमार शुक्ला महोदय द्वारा अवैध सट्टा, अवैध हथियार तस्करी, जुआ सट्टा पर गतिविधियों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश किया गया था, जिसके तहत हमें कल मुख्य सूचना मिली थी कि उम्र जिस दो व्यक्ति पैदल पैदल देश लेकर आ रहे हैं, जिस पर टीम बनाकर दबिश दी गई है, जो पंजाब के रहने वाले मनप्रीत सिंह कश्मीर और संदीप पिता आत्माराम दोनों निवासी पंजाब के हैं, उनसे एक एक देसी कट्टा और एक एक मोबाइल उसे बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को GR भरकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।